भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोच्च होता है। मैंने मेरे जीवन में, मैं भी 50 वर्ष का सार्वजनिक जीवन रखता हूँ, ऐसा बजट आज तक नहीं देखा। एक अपमानजनक शर्मनाक शब्द बोला कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उसी नेता ने कल विधानसभा के अंदर हमारी मातृशक्ति को इंगित करके गाली गलौज किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन 24 घंटे 320 दिन किसी भी चुनौती और किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए सन्नद्ध रहता है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा की जिला कार्य समिति की आज बैठक है और बैठक में मुख्य रूप से भीलवाड़ा के सांसद और संभाग प्रभारी दामोदर जी अग्रवाल मुख्य अतिथि हैं और उनकी सानिध्य में पूरे जिले भर के सभी मंडल अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं, पूरे जिले के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं, जनप्रतिनिधि और चारों विधायकगण। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट के साथ ही तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं और इसमें मुख्य रूप से संगठन को किस तरह से मजबूत और सशक्त करें उस पर चिंतन मनन और मंथन किया जा रहा है। और ख़ास तौर से आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत राज के चुनाव हैं और उसे देखते हुए कहीं ना कहीं संगठन अपने आप को सशक्त बना रहे हैं और इस चुनावी तैयारी इस बैठक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आइए इस बैठक को लेकर मुख्य रूप से भीलवाड़ा के सांसद और संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। जैसे आप संगठनात्मक दृष्टि से आज वापस बता रहे हैं, क्या विशेष भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोच्च होता है और कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चुनाव एक प्रक्रिया है जो संपन्न हो जाती है जिससे देश चलता है। मैं सर्वप्रथम केंद्रीय नेतृत्व का माननीय मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि मुझे अवसर प्रदान किया मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका दिया। क्योंकि मैं मूलतः संगठन का कार्यकर्ता हूं, प्रदेश महामंत्री का दायित्व है और उसी के साथ उदयपुर संभाग का प्रभारी हूं। विधानसभा चुनाव में मैं यहां पूरा सक्रिय था, लोकसभा चुनाव स्वयं लड़ने के कारण मैं अपने ही चुनाव में व्यस्त रहा। अब पुनः संगठन की जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। आज राजसमंद जिले की वृहद जिला कार्यकारिणी की बैठक है। अभी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में बड़ी बैठकों का आयोजन हो रहा है। आपने देखा होगा अभी जयपुर में जहाँ शिवराज सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि थे, पूरे प्रदेश के 10,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। उसके बाद जिले की बैठकें हो रही है, उस क्रम में मुझे आज राजसमंद जिला बैठक का दायित्व दिया गया, उसके मुख्य अतिथि के बतौर में आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस मौके पर देश की आवाम का भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, राजसमंद लोकसभा के मतदाताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने लगातार तीसरी बार 1962 के बाद 62 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी को उन्हें प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्रदान किया और आज पूर्ण बहुमत के साथ NDA मोदी 3 के कार्यकाल में हमारे अधूरे विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी या NDA की सीटें घटी, इसको लेकर आप क्या? राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है, सांप काट लेता तो पूछ पर आ जाते हैं, सीढ़ी मिल जाती सरंग पर चले जाते हैं। बट वी शुड नॉट कंपेयर विद 19। इस देश में 3 चुनाव ऐसे हुए जो भावनात्मक मुद्दों पे हुए। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि पहला चुनाव 1971 का हुआ, जब भारत पाकिस्तान युद्ध होकर बांग्लादेश बना तो कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई, जबकि इंदिरा जी उस समय बहुत लोकप्रिय नेता नहीं थी, लेकिन घटनाक्रम बहुत लोकप्रिय था। फिर 1984 हुआ, जिसके अंदर इंदिरा जी की हत्या हो गई,
पूरा देश भावना के ज्वार में था और कांग्रेस को 403 सीट प्राप्त हुई। और उसके बाद 19 हुआ जब पुलवामा और अन्य आतंकवादी घटनाओं के कारण, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के कारण पूरा देश भारत माता की जय और वंदे मातरम से गुंजायमान था। ये तीन चुनाव भावनात्मक मुद्दों पे हुए, इसलिए हमें 19 से 84 से और 71 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम तो फिर भी 240 लाए हैं, तीसरी बार लाए हैं। कांग्रेस ने तो 1984 के बाद 403 की जगह 103 भी नहीं आई है, और अभी भी कांग्रेस के पास केवल 99 सीट है। और 2014, 2019, 2024 मिलाकर कांग्रेस 240 नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि वो जीत का जश्न मना रही है और हमें कह रही है कि हमको जनमत नहीं मिला। ये यही सवाल है कि जैसे उनके सीटें भले वो जीत नहीं पाए लेकिन उनका जश्न बड़ा था, बीजेपी जीत कर भी सरकार बनाकर भी इतना जश्न नहीं मना पाई। कोई हार कर भी जश्न मनाना चाहे तो उनकी इच्छा है, हमने तो जीत कर बहुत जश्न मनाया है। पूरी लोकसभा में मैं चश्मदीद साक्षी हूँ, तीसरी बार लगातार किसी प्राइम मिनिस्टर का आना नेहरू जी के बाद पहली घटना है, और जिसमें 3-4 बार मुख्यमंत्री और रहे जो नेहरू जी कभी नहीं रहे। लगातार 2001 से सत्ता में बने रहना और उसके बाद भी जनप्रिय छवि बनाए रखना और 10 साल के केंद्र के एनडीए के शासन में एक भी अपवाद स्वरूप भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना, ये छोटी बातें नहीं हैं। नरेंद्र मोदी केवल भारत के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और ये देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आने वाले समय में हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तेज गति से आगे बढ़े। नीति आयोग की बैठक है उसमें विपक्ष के जितने भी सीएम है वो नहीं आ रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? नीति आयोग का काम है बुलाना, उनका अधिकार, वो आए चाहे ना आए, आते तो बेहतर होता। यहाँ की नीतियों में, नीतिगत फैसलों में उनकी भागीदारी रहती, नहीं भी आए तो काम तो होगा, काम तो रुकता नहीं है। और अभी प्रदेश का जो बजट आया आपने देखा होगा, मैंने मेरे जीवन में, मैं भी 50 वर्ष का सार्वजनिक जीवन रखता हूँ, ऐसा बजट आज तक नहीं देखा जिसके अंदर राजस्थान के हर जिले की जन आकांक्षा को पूरा किया गया, जिसके अंदर 2047 के विकसित भारत के सपने की दिशा में आगे बढ़ा गया। और अभी केंद्र का बजट आया, केंद्र के बजट ने पूरा फोकस हमारे किसान और किसानी को दिया है, पूरा फोकस युवाओं को, रोजगार को दिया है, पूरा फोकस श्रमजीवी लोगों की स्किलनेस को दिया है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उनके लिए खर्च कर रहे हैं, यह बजट विकसित भारत की आधारशिला रख रहा है। संसद में और विधानसभा में भाषाओं की अमर्यादिता बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या? कृपया ये भी स्पष्ट कर दें कि अमर्यादिता कौन कर रहा है? जो भी गलत आचरण संसद में कर रहा है या विधानसभा में कर रहा है, कल भी हमारे यहाँ के बड़े बहादुर नेता ने जिन्होंने पूर्व में भी एक अपमानजनक शर्मनाक शब्द बोला कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उसी नेता ने कल विधानसभा के अंदर हमारी मातृशक्ति को इंगित करके गाली गलौज किया। और संसद में भी आप देख रहे हैं कौन रोज वेल में आ रहा है, कौन नौटंकी कर रहा है, कौन कार्य को बाधित कर रहा है, कौन संसद नहीं चलने दे रहा है। 140 करोड़ आवाम उनको देख रही है और आने वाले चुनाव में ब्यास सहित उसका निपटारा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन 24 घंटे 320 दिन किसी भी चुनौती और किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए सन्नद्ध रहता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की बैठकें सामान्यतया होती रहती है और राष्ट्रीय बैठक के बाद प्रदेश की बैठक, प्रदेश की बैठक के बाद जिले की बैठक, जिले की बैठक के बाद अब मंडलों की बैठक, हमारा नियमित क्रम है।